वेलकम बैक टू माय चैनल दीप रिएक्शंस। तो गाइस, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उसके बारे में बात करेंगे अभी दो मिनट रुक के, क्योंकि उससे पहले मुझे सबसे पहले आप सब लोगों का थैंक यू करना है। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सब लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। आप मतलब मेरे को ऑलमोस्ट हर वीडियोस के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप सब लोग सजेस्ट करते हो कि मुझे अब कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, प्लस कि अगर सीरियल वाइज किस में कैसे चलना है। जैसे मैंने अभी कृष्णा पे एक रिएक्शन दिया था अभी लास्ट अपना, तो उस पर आप लोगों ने मुझे बताया है कि हाँ उसका जो टर्न वाइज है आपको कैसे चलना है। काफ़ी सारे मतलब सजेशंस मिले हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आगे के लिए, और आप लोग ऐसे ढेर सारा प्यार अपना मुझे देते रहिए क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे और रिएक्शंस देने के लिए। तो गाइज, अब बात करते हैं आज के रिएक्शन पे। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ एमसी स्टैन के सॉन्ग पे जिसका नाम है खुजामत, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही है और ऑनेस्टली मुझे भी बहुत जल्दी से बनाना था, बट एज यूजुअल यही होता है कि हमको और भी जो सॉन्ग्स होते हैं उन पे भी रिएक्शन देना होता है और भी वीडियोस पे रिएक्शन देना होता है, तो इसलिए सबका नंबर यू नो एक एक करके आता है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से इस सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते बाप, लेक वड़ा पाव वड़ा पाव। वो सब जानने मत सुन, इस लड़के के आना दो हल्लू तुम में। म्यूजिक खोजा मत, 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 क्या सुना मत, सुना मत, सुना मत, सुना मत, बोल बच्चन सुना मत, सुना मत, सुना मत, सुना मत, सुना मत, सुना मत, सुना मत आएगा जादू, सुना मत, 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 सुना मत। तू जैसे मिट्टा है शक्कर दिया, देखो टक्कर आ रही, देखो टक्कर रहे हो बीच फक्कर, हेडिंग सक्कर तेरी बकरी वाली, जरा आवाज तू कम कर। अरे चूते गिरी कम कर, छपरी चाले बन कर, फटेला आवाज तू कम कर, 10-20 नहीं तू सुंदर है हक्कर, तेरे जैसे ढकला मैंने देकर रखकर, रफ्तार को छोड़ जरा मेरे से तू बात कर, वो नहीं गईला कभी अपने जात पर, सुन पहला क्या बोल रहे फिर आके बात कर, झगड़े लगाने के काम तू मत कर, लॉजिक की बात कर, सोबर में बात कर, कॉमेसिस की बात कर, बड़े को क्यों बोल रहा छोटे, शायद तेरे कपड़ में आ गए गोटे, दिन बाप को भी बोल के दिखा छोटे मोटे, ढोले खजवे ठापने काले बटले शेमड़े पादरे हगरे मुदरे, तेरे जैसे हमारे इधर पन फिर रे, मेरे जैसे सोच रखने वाले ने किधर पन रे चिरे। हे यू तू नहीं तू, तू पन नहीं तू, तू नहीं तू, सगड़ा ने मेड़ो ना खा मजगू, खा मजगू, खा मजगू, फक यू, फ्रस्ट्रेशन निकल रही है तेरी मागी। लास्ट टाइम बोल रहा माँ पे मजा खेले, बोला था बोला था बोला था माँ पे नहीं जाने का, माँ पे नहीं जाने का, अपने में दोनों में चालू तो माँ पे क्यों जाने का, मेरा गु खाने का जितना लग रहा देखो, मेरा गु खाने का, माँ पे नहीं जाने का, कह रहा है कि हमारे आपस में चल रहा था तो माँ पे क्यों गया, उसकी चमारने का हराम का खाने का, पैसे देखो जाने का, तेरे जैसे शाने का, दो मिनट में खाने का, छड्डी में खाने का, दिमाग में खाने का, कुल्फी रबर को कुल्फा कराने का, उसके पहले इसकी कुल्फी खा के दिख जाने का, खुद पहले समझ फिर बाद में समझाने का, पब्लिक को कब तक तू एड़े में काटेगा, बढ़ गए काटने का, हकने को आईली तो गाने में हकने का, ऐसे क्यों करने का, बॉलीवुड में जाने का, कमर्शियल बनने का, मिला ना लेबल है मेरा, पर लेने का बीट खत्म हो गई, फिर भी देख बजरे में बचपन से एड़ा, तो अभी अभी हो गए ले मेरा खेला, तो सेंटर बन गए, क्या बात है, बचपन से एड़ा तू अभी अभी हो गईला, सुना के नहीं तूने, और क्या रे बुल्लू बटर क्या बोलते फिर तू, स्टैंड ठस गया है, मैं बनते वो डेंजर है, मालूम है ना नहीं, और क्या बोले मेरे से नेजी सीखे ले, तुम लोग ने मुंबई फाइनेंस से सीखे ले, तब जाके पी के ले, समझ में आएगा जादू, और क्या बोले कोने वो गुलफिरा पर केले, मेरे को नहीं जानता तू, अगर मेरे को नहीं जानता तू फिर मेरा इसे रुमाल काई को बांध रहा, कुछ नहीं छोड़ना सब बोल देगा भाई, और हिप हॉप है, और सुन पतंजलि मैं देखो लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, हम खाने पीने के नाम मत लेते जगह आने में, नहीं तो मैं भी क्या भी काकड़ी बिकड़ी बोल लेते, बस माँ माँ मुझे स्टैंड दिख रहा है, माँ माँ मुझे हिप हॉप समझ रहा है, माँ भाई एक नंबर, एक नंबर समझ रहे हो,
ओके तो तू बने शेक और मैं भी हूँ शेक, दोनों बाय बाय, लेकिन तेको हर चीज की लगी लिगाई, जरा समझ मेरे बाय मेरे बाय मेरे बाय, तुझे बहुत चाहता बाय, तूने समझत करा तेरी माँ मेरे को खाने में हिप हॉप खिलाए, तेरा हिप हॉप से संबंध नहीं दूर तक आए, तेरे बाप का था आइडिया देख और बंटा, प्रीति का तूने गाना जगे और बंटा, बंटा से ममड़ा पे कैसे तुम आए, फेक गोली वाटा तू बोझी देख बाय, चमकी समझ धमकी समझ सब कुछ है बाय, अपन गरज ने बाय अपन चरस में हाय, एक चिल्लम के शूट में तुम हो रे ले खाए, इंडिया में हिप हॉप कैसा फैलाए, सोच सोच के थक गए ले क्या करूं भाई, मैंने डिस्कस चलाया तो गाली दिए भाई, अब जब सब देखना चाहते थे वो तो डिस डिस करके लोग कूदच मचाए, मेरे नाम ने कितनों के घर भी चलाए, मेरे कैंपस वाले वीडियोस पे मिलियंस क्यों जाए, मेरे नाम पे पब्लिक की तरह पैसा कमाए, खुद को कैसा डेंजर तू बोल सकता भाई, बन पड़ तू बन पड़ तू बन पड़ रे भाई, वो किया वेट तूने मेरे किस गाने का, तू वेट रे छोटे जा चाइला आइला, ये जादू कैसे आइला, ये शान के लड़का को नाइला, मार्केट उठाइला कैसा ये छाइला, सबको ये भाइला, रैपरों को सुबह सुबह नाश्ते में खाइला, सात दिन हो गए ले अभी तक नहाइला, फुटपाथ पे सोइला और फुटपाथ पे छाइला, एक चीज ग्रीजर इसलिए गाना लेता आइला, अब तो अपन पैसे ना रिकॉर्ड करायला, कौन कौन रहाइला, कुछ नहीं मिल रहा तो बोल रहे मेरे को बायला, हाँ तो देख मेरा एल, तू जिस पेड़ा उसको महीने से खाइला, अगर मुझसे जल्दी तेरी तो तेरी बहन मेरी, ये भलती जो तेरी है शॉट में कुदेरी, पब्लिक को मालूम है लेकिन एडी की लीरी ले, 100 रुपए वाला फेम रखते रहते को, एक लास्ट सीट बोलना चाहता मैं, देखो मेरे नाक को तू मत लग रे खतरनाक बंदा है यार ये। गाइस वीडियो था एज यूजुअल शानदार, लेकिन मैं एक बात बोलूं कि आने वाले टाइम में ना एमसी स्टैन कहाँ पहुंचने वाला है भाई, मतलब कि क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है यार, मतलब इसमें जैसे एक तो पहली चीज़ कि मेरे को, मैंने ये सुना था आप सब लोगों से ही कमेंट्स पे लिखा हुआ था कि जो खुजामत सॉन्ग है वो एमसी स्टैन ने जेल में लिखा है, मतलब अगर जेल में ये सॉन्ग लिखा गया है तो आप सोचो कि लेवल कितना हाई होगा, आप इसके बाद जब आप आराम से बैठ के जब सोचते हो तो आप क्या बनाओगे यार, मतलब नेक्स्ट लेवल इतना बढ़िया ना। अब इसमें क्या है ना कि भाई सिंपल सी बात है, ये सबके लिए होता है, अगर आप किसी को उंगली करोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन एमसी स्टैन ने क्या क्या जवाब दिया है यार, मतलब मज़ा आ गया हंस 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 के, जो भी उसने मतलब वो गाली वाली और वो सब जो भी चल रहा था बीच बीच में, एक्चुअली वो प्रॉपर गाली नहीं थी, एक तरह से चिढ़ाना था, तो वो उसमें वो उसको चिढ़ा रहा था और चिढ़ा चिढ़ा के, मतलब वो मराठी में था लेकिन हमें भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो मतलब जो भी उसको जिस तरीके से भी चिढ़ा रहा है ना, बहुत ज़्यादा फनी है और समझ में आ रहा है सब वो क्या कह रहा है, लेकिन ठीक है यार, अब आप किसी से पंगे लोगे तो मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेगा ना, कैसे तो निकालेगा ना, गाली देने के लिए भी मना कर दिया कि गाली नहीं देनी, तो कैसे तो कुछ तो करेगा ही ना, तो ठीक है वो अपने 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 अलग स्टाइल में बोल रहा है जो कुछ भी बोलना है, और लेकिन उसमें जो वर्ड्स हैं सारे एक नंबर है गाइस, एक नंबर, एक एक चीज़ इतनी ज़बरदस्त बोली है ना, और सही भी है कि आप ये देखो कि वो ये कह रहा है कि पहले तो आप लोग मुझे पसंद करते हो, ठीक है, जब आप लोग मुझे पसंद करो, मैं रैप कर रहा हूँ तो फिर अब फिर तुम डिस कर रहे हो कि हाँ, फिर अब तुम डिस भी कर रहे हो, दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हो, फिर अब वो तो जवाब देगा ही ना। खैर मैं इस चीज़ों में ज़्यादा नहीं घुसूंगी क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, किसी ने किसी को क्या बोला एग्जैक्ट मेरे को पता भी नहीं है, बट हाँ इतना हर किसी को देख के समझ आ जाएगा कि हाँ कोई फ्रस्ट्रेशन है, किसी ने कुछ भी बोला है तो उसका जवाब है, जैसे कि वो माँ के बारे में बोल रहा था कि तेरे को बोला था कि मेरी माँ को बीच में नहीं लाना यार, अब कोई भी करेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, तो एग्जैक्ट ऐसे ही एमसी स्टैन ने पूरे सॉन्ग में किया है गाइस, सॉन्ग है बहुत 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 मज़ेदार, इसीलिए मुझे ना सबके वीडियोज़ में रिएक्शन देने में मज़ा आता है, लेकिन ऑनेस्टली एमसी स्टैन में बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइज आपको अब मेरा रिएक्शन आपको इस पे जो है पता चल गया है, आप मुझे बताना कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और एक चीज़ और गाइज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप, आई नो आप बहुत सारे कमेंट करते हैं कि हाँ मुझे इसी सॉन्ग पे आप रिएक्शन दो, सबका अपना अलग अलग होता है, मैं आपसे एक चीज़ की प्रॉमिस करती हूँ, मैं हर एक सॉन्ग पे रिएक्शन दूंगी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि देखना पड़ता है कि अभी इसको आज इस पे करना है, कल इस पे करना है, क्योंकि यू नो और भी बहुत सारे काम होते हैं मेरे को, तो थोड़ा टाइम की रिस्ट्रिक्शन रहती है, लेकिन मैं सब पे बनाऊंगी, आई प्रॉमिस हर एक की रिक्वेस्ट पे मैं ज़रूर रिएक्शन दूंगी, लेकिन कब वो मैं नहीं बता सकती, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो गाइज ये हो गया मेरा आज का रिएक्शन, तो गाइज अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको फर्दर सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब कब मेरी कौन सी वीडियो आ रही है। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए जो यूज़र आईडी है वो नीचे स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो गाइज चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।